विश्व सरैया जी जो है वो भारतीय इंजीनियर्स के फोर फादर्स कहलाते हैं, और उन्होंने एक भारतीय इंजीनियर्स को जो एक पहचान दी है, उसी पहचान में हम सारे इंजीनियर्स अपने आप को वैसा बना पाए, शायद इसीलिए इस दिन की शुरुआत हुई है। तो जो आज मुझे भी लगता है कि जो इंजीनियरिंग फील्ड में हम जो भारतीय हैं उनकी एक बहुत ही विशेष पहचान है। ये पहचान केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो विदेशों में भी बहुत नाम कमा रहे हैं। इसको मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारे आदर्श हैं उनके जैसे बनना, और इंजीनियर्स जो हैं वो उन्होंने देश के विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद जितना योगदान दिया है, उसी योगदान से नई दिशा में जब आज आज टेक्नोलॉजी का, हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का आज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी देश की प्रगति में, आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी एक बहुत ही मेजर रोल अदा करने वाली है। तो इसमें हमको कैसे कम्पीट करना है और कैसे हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो फिर से इंजीनियर्स का दोबारा से, जब हम आजाद हुए उसके बाद हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, न्यूक्लियर प्लांट बनाने थे, हाइड्रो प्लांट बनाने थे, कोल बेस्ड प्लांट बनाने थे, और भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। तो इंजीनियर्स का एक महत्वपूर्ण रोड का नेटवर्क था, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियर्स ने बहुत योगदान दिया। लेकिन आज हम एक परिपक्व होने के बाद अब टेक्नोलॉजी की जो स्पर्धा शुरू हो गई है उसमें दोबारा से इंजीनियर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने पर ही देश उन्नति कर पाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। सही कहा आपने कि लगातार जो इंजीनियर्स हैं वो अपना योगदान देश के विकास में और देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई साख पहुंचाने में, एक साथ बनाने में दे रहे हैं। आपने क्या देखा है कि अभियंताओं का जो क्षेत्र था वो कितना वृहद हुआ है पहले के मुकाबले, और कौन कौन से फील्ड जुड़ते जा रहे हैं जिसमें इंजीनियर्स अपना योगदान दे रहे हैं? जी, बहुत ही वृहद रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, और आज का समय जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में हो गया है कि आज सभी जगह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत पड़ रही है। तो टेक्नोलॉजी, आज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हम ये भी चाहते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज भी रखे, वो कम्युनिकेशन की नॉलेज भी रखे और अपने क्षेत्र की भी नॉलेज रखे। तो पूरा एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर ही आज हम उन्नति कर सकते हैं, और आज जो नई शिक्षा नीति के कारण हम जो करिकुलम भी बनाने जा रहे हैं उसमें भी इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए इंजीनियर्स को आगे लेकर के आ पाए। तो विश्व पटल पर आप भारत को कहाँ पाती हैं इंजीनियर्स का जो काम है उसको लेकर? जी, वैसे तो हम अगर डेटा के हिसाब से देखते हैं तो अगर मैं, चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं अगर अपने डेटा की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एरिया में बात करती हूँ तो हर चीज में हम इस समय दुनिया में तीसरे पायदान पर है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यूएस और चाइना के बाद भारत का नंबर है, और किसी भी पैरामीटर पर बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, हालांकि टेली कम्युनिकेशन में शायद हम विश्व में सबसे अच्छा ही कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, हम सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा कंसर्न बन के उभरने वाला है। तो इन्वायरमेंट के लिए जो एक नई तरह की अप्रोच होनी चाहिए होलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसमें मुझे लगता है कि भारत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और साथ ही साथ जैसे आपको विदित भी होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, वो पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका कि हेडक्वार्टर भारत में है। अदरवाइज आप जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे सारे डेवलप्ड कंट्रीज में उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं। पहली बार हम इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेशली सोलर के क्षेत्र में वर्ल्ड के नंबर वन बन के उभर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब इन्वायरमेंट की बात आएगी तो रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसमें भारत जो है वो उसको वो एक लीडर बनके उभरेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तृप्ता जी, हम जानना चाहते हैं कि अब बहुत सारे विद्यार्थी इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मेहनत, इसमें जाहिर की एक फील्ड ऐसा है कि मेहनत कुछ ज्यादा करना होती है अपेक्षाकृत बाकी विषयों से, क्या कहना चाहती हैं जो आप विद्यार्थियों से खासतौर से क्या निवेदन करना चाहती हैं?
नहीं, मैं विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आज थोड़ा जमाना हमारे समय से बदल गया है, और जो बच्चे 12वीं के बाद आते हैं, अब तो पहले हमारे समय में 11वीं के बाद आते थे, तो एक थोड़े से और मैच्योरिटी के साथ बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो जो बच्चे सच में ही इंटरेस्टेड हो रहे हों वो ही इस लाइन को चुने। अब एक इंजीनियर बनने के बाद अगर हो सकता है आगे समय में अगर आप याद करें तो अभी मोदी जी ने जब आईपीएस लोगों को इंट्रोडक्शन लिया था इस बार का, तो उसमें से 3 इंजीनियर बनने पर तीनों इंजीनियर से उन्होंने पूछा कि आप इंजीनियर थे तो फिर आप पुलिस ऑफिसर क्यों बने जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और आज सभी की अगर हम संजय जी देखें तो पहले हमारे पास सबसे ज्यादा समस्या होती थी कि भाई हमको धन कमाना है, और उसी के अनुसार हम अपना, चूंकि इंजीनियर्स बनते थे, डॉक्टर्स बनते थे, तो पेरेंट्स को लगता था बड़ा सिक्योर जॉब होगा। अभी सभी थोड़ा सा एक सिक्योरिटी लेवल पर आ गए हैं, और आज इस वातावरण पर भी पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझते हैं कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ता है, और उसी क्षेत्र में डालते भी हैं। वो ऐसा नहीं रहा कि आप इंजीनियर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे, बस आप जो भी क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं आपको बहुत सारे उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर आपको सच में एक पैशन हो तभी आप इस क्षेत्र में आइए, क्योंकि डिमांडिंग भी है, चैलेंजिंग भी है, और एक ऐसा मौका है कि जिसमें अगर आप अच्छा सीख सकते हैं तो आप अपने देश को बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो आज ये बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होने पर मेहनत भी बहुत ज्यादा है। तो अगर, और आज देखिए जॉब ऐसा ऐसे मिलते ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलते, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलते, कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। तो आप अगर अच्छे लगन से और आपकी कोई चीज के पैशन के साथ करते हैं तब आपके लिए स्काई इज द लिमिट। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो हम ये देख भी रहे हैं कि एक गैप है एजुकेशन में और इंडस्ट्री में, तो इस गैप को भरने के दिशा में भी बहुत कार्य हो रहा है। और हम, मेरा जो संस्थान है NPTI, वो इस क्षेत्र में ही आगे कार्य कर रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ यही अनुरोध है नई पीढ़ी से कि वो बिल्कुल घबराए नहीं, और एक पैशन और एक जुनून के साथ अपनी चीजों को अच्छे से सीख करके, प्रैक्टिकली अच्छे से सीख करके। आज देखिए शिक्षा पद्धति को हमने कोविड में भी देखा, और अभी भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा पद्धति भी एक ग्लोबल हो गई है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वैसे इंटरनेट ने शिक्षा पद्धति को भी ग्लोबलाइज कर दिया है। तो अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, आज वो सब कुछ अवेलेबल है जो आपके पैशन को फुलफिल कर सकता है। तो बस एक पैशन की और एक कमिटमेंट की जरूरत है, तो इससे ज्यादा चैलेंजिंग फील्ड और आगे बढ़ने वाली फील्ड कोई हो नहीं सकती। मेरा ये सबको यही मैसेज है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मानव जीवन के को थोड़ा सरल बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। यही मेरी सभी लोगों को शुभकामना है कि इसी दिशा में इंजीनियर्स जो हैं वो आगे और कार्य करते रहे। धन्यवाद पूर्ण चर्चा करने के लिए। तृप्ता जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद।